अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ एंड प्री नाइन्थ सब्जेक्ट मैथ। नाउ स्टार्ट द यूनिट नंबर वन। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। अब ये लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको आपने सॉल्व करना टू मेथड है। फर्स्ट मेथड है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। फर्स्ट आपने मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से करना है। पार्ट नंबर वन है, इसके टोटल 8 पार्ट हैं, सारे सेम हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद भी उसको डन कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x-2y इज़ इक्वल टू 4 एंड 3x+2y इज़ इक्वल टू 6। सोल्यूशन है राइट इन मैट्रिक्स, इनको मैट्रिक्स में लिखें यानी कि नंबर्स लिख लें। लेदा फर्स्ट 2-2, 3 एंड 2, सेकंड बनेगा x एंड y और इज़ इक्वल टू साइड पे 4 और 6। अब ये जो फर्स्ट वाला बना ये आपका ए मैट्रिक्स होगा, x और y जो फाइंड करना वो x होगा और इज़ इक्वल टू की दूसरी साइड पे b होगा। ए दूसरी साइड पे इन्वर्स हो जाएगा यानी एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बी, ये इसका फार्मूला होगा। फर्स्ट हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे जो कि इक्वल होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। सब फर्स्ट ए डिटरमिनेंट फाइंड करें, 2 × 2 − 3 × −2, 2 × 2 = 4 − − + 3 × 2 = 6, 4 और 6 = 10 हो जाएंगे। एडजॉइंट ए एडजॉइंट में फर्स्ट और फोर की जगह चेंज करें और सेकंड और थर्ड का साइन चेंज कर दिया। अब ए इन्वर्स आपके पास आया 2 − 3 × 2 / 10। फाइंड आपने करना है एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बी। एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स आया 2 − 3 × 2 / 10 मल्टीप्लाई बी आपके पास है 4 और 6। मल्टीप्लाई करें 2 रोज़ को कॉलम से, 2 × 4 + 2 × 6 − 3 × 4 + 2 × 6 / 10। एक्स 2 × 4 = 8 एंड 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12 एंड 2 × 6 = 12 / 10। अब क्योंकि एक्स इक्वल था एक्स और वाई के ऊपर वैली 12 और 8 = 20 / 10 एंड 12 में से 12 = 0 / 10। 20 को 10 पे डिवाइड किया तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी और 0 को 10 पे डिवाइड किया तो वाई की वैल्यू 0, यानी एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 0। ये है इन्वर्जन मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन डन बाय योर सेल्फ। नाउ डियर स्टूडेंट्स सेकेंड इसका है जी कि सॉल्व बाय क्रैमर रूल्स। अब आपने उन्हीं क्वेश्चन को क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 है 2x + y = 3 एंड 6x + 5y = 1। सॉल्यूशन इसका राइट इन मैट्रिक्स पर लिखें 2, 1, 6 एंड 5, x एंड y 3 एंड 1, ए एक्स एंड बी। अब इसमें आपने चेंज करना थोड़ा सा, यानी कि एक्स की वैल्यू जो फाइंड करनी वो इक्वल होती है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट और वाई की वैल्यू होगी ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। फर्स्ट आप ए डिटर्मिनेंट एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 × 5 − 6 × 1, 2 × 5 = 10, 6 × 1 = 6, 10 में से 6 = 4। अब ए एक्स आपको क्या होगा कि पहले आपने बी का कॉलम लिखना 3 और 1 और ए का सेकंड कॉलम, ये आपका ए एक्स होता है यानी कि बी का कॉलम और ए का सेकंड कॉलम 3 एंड 1। अब इसका डिटर्मिनेंट लें 3 × 5 − 1 × 1, 3 × 5 = 15 − 1 = 14 आ जाए। अब ए वाई ए का फर्स्ट कॉलम और बी का कॉलम, ए का फर्स्ट कॉलम है 2 और 6 और बी का 3 और 1, 2 × 1 = 2 − 6 × 3 = 18 हो जाएगा, तो ये −16 हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करें यानी कि एक्स इक्वल था ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट और वाई इक्वल था ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। एक्स ए एक्स डिटर्मिनेंट आया 14 और ए डिटर्मिनेंट आया 4, वाई में ए वाई आया −16 और 4, कटेंगे होगी 7 / 2 और इधर कटेंगे होगी तो −4। तो ये है क्रैमर रूल। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने सेम इसी मेथड से खुद करने हैं। टोटल 8 पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट इसका बता दिया है, इन्वर्जन मेथड से भी बता दिया और क्रैमर रूल से भी बता दिया। बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं। थैंक्स।